My dear students of class twelve, welcome to EduSet presentation. This is Deepmala Sharma, working as lecturer in English with Department of School Education, Haryana, bringing forth before you a wonderful and very interesting chapter, events, tries and O level. It is chapter number seven in your supplementary reader book, Vistas. Present chapter, events, tries and O level basically is. डिटेक्टिव फिक्शन रिडन बाय अ फेमस इंग्लिश क्राइम राइटर कॉलिन डेक्स्टर नाउ बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी ऑफ द चैप्टर आप सबके लिए एक क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज के शुड क्रिमिनल इन प्रेजेंट बी गिवन दुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन की क्या जेल में बंद कैदियों को अपराधियों को सीखने का शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए प्रश्न दरअसल इसलिए पूछा गया है क्योंकि हमारा चैप्टर अंडर डिस्कशन भी इसी थीम पर बेस्ड है जी हाँ एन ओ लेवल। इस में, जो है वो एक क्रिमिनल है, इन अ जेल ओके एंड ही एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू गेट एजुकेशन ओ लेवल एजुकेशन ओ लेवल यहां पर क्या है ओ लेवल इज ऑर्डिनरी लेवल एग्जाम ऑफ जर्मन लैंग्वेज यानी कि इवेंट्स जो है वो एक क्रिमिनल है अपराधी है उसे ऑक्सफोर्ड की जेल में इम्प्रिजेंट किया गया है कैदी बनाकर रखा गया है और वो अपनी एक इच्छा जाहिर करता है कि वो जर्मन लैंग्वेज में ओ लेवल का एग्जाम देना चाहता है एज अ क्रिमिनल या प्रिजनर अब अगर आप सोचोगे तो ये नेचुरल सी बात है कि कहीं वो इस बहाने से कि वो आगे एजुकेशन लेना चाहता है इस बहाने से जेल से भागने का प्लान तो नहीं बना रहा क्योंकि जेम्स रॉड्रिक इवेंट्स जो कि हमारे ऑलरेडी जेल से तीन बार भाग चुका है इसलिए उसे जेल में सभी इवेंट्स द ब्रेक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ब्रेक का मतलब तोड़ना और वो जेल तोड़कर ऑलरेडी तीन बार भाग चुका है इसलिए उसे इवेंट्स द ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है इसीलिए जो जेल के गवर्नर हैं वो इसी कंफ्यूजन में होते हैं स्टार्टिंग में कि वो उसे अलाउ करें या ना करें टू टेक दिस ओ लेवल एग्जाम तो चलिए हम भी जान लेते हैं कि वाइडस इवेंट्स एक्चुअली वांट टू तो टेक तो ओ लेवल स्टोरी स्टार्ट करते हैं इन अर्ली मार्च द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव अ टेलीफोनिक रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द ऑक्सफोर्ड प्रिजेंट to create an examination center in jail for one candidate named Events. He started night classes in O level German last September. He was the only one in the class. The secretary made other routine inquiries and promised to send all the forms and stuff. तो मार्च के महीने से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है मार्च के मंथ में क्या होता है कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन जहां पर मैंने आपको बताया कि इवेंट्स जो कि क्रिमिनल है हमारी स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है वो कैद है वहां से उनके गवर्नर जो हैं वो एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी के पास एक कॉल करते हैं ये पूछने के लिए कि क्या इवेंट्स ओ लेवल जर्मन एग्जाम में अपियर हो सकता है अब गवर्नर बोलते हैं कि हालांकि ये एक अनयूजल सी रिक्वेस्ट है अनयूजअल क्यों क्योंकि आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी कैदी ने या किसी क्रिमिनल ने जिसे कि इम्प्रिजन किया गया है आगे पढ़ने की डिजायर एक्सप्रेस की हो लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वाई दे ट्राई टू हेल्प एंड दे अगेन कंफर्म कि क्या एक ही कैंडिडेट है जैसा कि आपने बताया तो सेक्रेटरी कहते हैं कि हाँ इवेंट्स उसका नाम है एक ही कैंडिडेट है एंड उसने लास्ट सितंबर में ओ लेवल जर्मन की नाइट क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर रखा है मीन्स वो ट्यूशंस पढ़ रहा है जर्मन लैंग्वेज की एंड वो बहुत ही इंटरेस्टेड है इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेने के लिए तो सेक्रेटरी पूछते हैं कि इज ही एनी गुड कि यानी उसे कुछ आता भी है या नहीं तो गवर्नर रिप्लाइज कि वो अकेला ही क्लास में ट्यूशंस ले रहा था और अगर वो अलग से ट्यूशंस पढ़ता मीन्स बाहर कहीं पढ़ता जेल में ना पढ़ता तो इट वुड हैव हिम अ पैकेट मीन्स उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते तो फिर सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड ने कहा कि उसे एक चांस दे देते हैं गवर्नर आगे की प्रोसीजर पूछते हैं तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि डोंट वरी अबाउट दैट मैं आपको आपके पास सभी फॉर्म्स या जो भी कुछ जरूरी स्टफ है ओके वो सब भेज दूंगा फिर वो कंफर्म करते हैं कि कहीं जेम्स रॉड्रिक इवेंट्स जिसका एग्जाम बोर्ड कंडक्ट कराएगा वो कहीं वॉलेंट यानी कि हिंसक नेचर का तो नहीं है तो यहां हमें यह पता चलता है कि उसके अगेंस्ट वॉयलेंस का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन he is just a congenital उसे बर्थ ही इज जस्ट मोटी चोरी करने की आदत है यानी कि वो क्रिमिनल तो है लेकिन बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है फिर सेक्रेटरी बोलते हैं कि आप बस एक रूम अरेंज कर देना जहां वो एग्जाम दे सके तो गवर्नर सेज कि नो प्रॉब्लम वो अपने सेल में अकेला ही बंद है एंड इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन तो वो अपना एग्जाम वहीं पर दे देगा फिर सेक्रेटरी कहते हैं कि वो सेंट मैरी मैक्स से एक पार्सन यानी कि प्रीस्ट को इनविजिलेट करने के लिए यानी कि एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए भेज देंगे एंड इस तरह से उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन यहीं पर एंड हो जाती है फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि प्रेजेंट ऑफिसर्स इवेंट्स को इवेंट्स द ब्रेक कहते हैं बिकॉज ही हैड स्केप फ्रॉम प्रेजेंट थ्राइस एंड इसीलिए अब आग उसे ऑक्सफोर्ड प्रिजन में मैक्सिमम सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट्स में रखा गया है और गवर्नर ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि इवेंट्स अब फिर से जेल से भाग जाए इसलिए वो सोचते हैं कि अब वो खुद इस मैटर को संभालेंगे और क्या पता बिल्कुल स्लाइट बिल्कुल स्लाइट से ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि सच में इवेंट्स ओ लेवल जर्मन में इंटरेस्टेड हो

तो उसके जो जर्मन टीचर हैं उन्होंने इवेंट से हाथ मिलाया देवर इन रिक्रिएशनल ब्लॉक जस्ट अक्रॉस डीविंग एट दैट टाइम और इवेंट्स को उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में गुड लक विश किया गुट इन ग्लक समथिंग लाइक दिस ही सेड इन जर्मन टू इवेंट्स लेकिन इवेंट्स नहीं समझा क्योंकि वो तो जर्मन में बोले थे तो जर्मन टीचर ने उसे इंग्लिश में गुड लक ट्रांसलेट करके बोला

टू द प्रोफेशन तो नेक्स्ट मॉर्निंग 8:30 थर्टी एम पे देखिए क्या होता है कि इवेंट्स के पास दो विजिटर्स आते हैं मीन्स इवेंट्स की सेल में जहां पर वो बंद है दो ऑफिसर्स आते हैं एक तो होते हैं मिस्टर जैक्सन जो कि सीनियर प्रिजन ऑफिसर हैं डीविंग में और उनके और इवेंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि उनकी बहुत पहले से ही आपस में काफी दुश्मनी हो चुकी थी जैक्सन के साथ ऑफिसर स्टीफेंस भी थे

तो जैसा कि मैंने आपको बताया जैक्सन और इवेंस की पहले से ही आपस में दुश्मनी थी तो वो अब भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसे पूछते हैं कि हाउ इज लिटिल दिस मॉर्निंग देन और फिर उसके बाद इवेंस पूछते हैं कि वो तो शायद मैथमेटिशियन या जो नहीं थे मिस्टर जैक्सन तो एट दैट टाइम इवेंस शेव कर रहा था और इससे जैक्सन को ये ध्यान आ जाता है कि इवेंस का जो रेजर है वो भी उन्हें सेल से बाहर लेकर जाना है क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग क्यों रेजर आप बाहर ले जाना है क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 8 जून को इवेंट्स का एग्जाम शेड्यूल्ड है ओके okay? एंड वो दोनों उसके सेल की अच्छे से तलाशी लेना चाहते हैं ताकि उसके पास ऐसी कोई भी चीज ना हो जो उसे हेल्प कर पाए जेल से एस्केप करने में जेल से भागने में फिर इवेंट्स ने जैक्सन से पूछा कि वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर जैक्सन तो इवेंट्स से पूछा कि क्या आप ही मेरे नेल सीजर्स को भी यहां से बाहर ले गए हो तो जैक्सन कहते हैं कि हाँ और तुम्हारा रेजर भी क्योंकि गवर्नर के ऑर्डर्स हैं कि इवेंस, आ, कि इवेंट्स इवेंट्स की सेल में ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए जिससे वो किसी और को नुकसान पहुंचाए या खुद को नुकसान पहुंचाए इवेंट्स इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है दरअसल उसे बहुत शौक होता है वो अपने नेल्स को बहुत ही अच्छे से ट्रिम करके रखता है तो उसके पास नेल सीजर्स उस समय नहीं होते और इसलिए वो काफ़ी ऑफेंड हो जाता है और अब मैं तुम्हारे पास बता रहा हूँ कि सिर्फ आधा घंटा बचा है इवेंट्स ओके टू स्मार्ट एन योर सेल्फ यानी कि टू गेट रेडी फॉर एग्जाम फिर जैक्सन इवेंट्स को उसकी हैट उतारने के लिए बोलते हैं लेकिन इवेंट्स कहता है कि ये जो टोपी है उसके सर पर ये उसके लिए काफ़ी लकी है एंड क्या पता आज के दिन जब उसका जर्मन एग्जाम है तो ये हैट ही उसका लकी चाम साबित हो जाए एंड फिर जैक्सन कहते हैं कि ओके ओनली वंस आई अलाउ केवल एक बार मैं तुम्हें अलाउ करूंगा क्योंकि जैक्सन को बेसिकली उसके जो लंबे से वेवी हेयर वो भी पसंद नहीं है तो अगर ये हैट लगाए रखेगा तो उसके बाल जो हैं वो जैक्सन को नहीं दिखेंगे तो वो उसको अलाउ कर देता है कि ठीक है तुम ये हैट जो है तुम्हारी गंदी सी हैट इसको लगाए रखो अब ये सीन तो था इवेंट्स की सेल का उसके प्रिजन का कि वहां पर क्या अरेंजमेंट्स चल रहे थे दूसरी ओर उसी सुबह देखिए At 8.45 the same morning, kya ho raha hai? the reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. The temperature was considerably below normal. A long black overcoat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle, which spattered the thick lenses of his spectacles अब जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तो हमने इवेंट्स के सेल को डिस्क्राइब किया था कि उसके सेल में क्या क्या अरेंजमेंट्स चल रहे हैं फॉर द शेड्यूल्ड एग्जाम अब सेम मॉर्निंग यानी कि उसी सुबह एट एट फोर्टी फाइव ए एम पर क्या हुआ कि जो इन्विजिलेशन थे इन्विजिलेटर थे जिन्होंने इन्विजिलेट करना था इवेंट्स के एग्जाम को वो थे रेवरेंड जुअ मैकलिरी ओके वो भी अपने जैसे घर से जो कि ब्रॉड स्ट्रीट में था उनका घर ओके बैचलर फ्लैट के नाम से एक बिल्डिंग थी जहां पर वो रहते थे ब्रॉड स्ट्रीट में तो वहां से बाहर निकले एंड जल्दी जल्दी कारफेक्ट्स की और आगे बढ़ने लगे उस दिन टेम्परेचर काफी कम था तो उन्होंने एक लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था और क्लैरिकल हेट लगा रखी थी उन्होंने अपने राइट right हैंड में स्मॉल ब्राउन सूटकेस ले रखा था जिसमें वो सब जरूरी सामान था जो उन्हें अब एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए चाहिए था जैसे ही हैड अ सील्ड क्वेश्चन पेपर इन दैट इन दैट सूटकेस येलो इन्विजिलेशन फॉर्म अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन बोर्ड अ पेपर अ नाइफ अ बाइबल एंड अ करपी ऑफ द चर्च टाइम्स विच इज पर नेम ऑफ अ न्यूज पेपर और मैगजीन तो एग्जाम दो घंटे का होना था जो कि 9:15 पर स्टार्ट होना था इवेंट्स के सेल में दो स्क्वायर टेबल्स दो हार्ट चेयर्स रख दिए गए एंड जैक्सन ने इवेंट्स को अच्छे से बिहेव करने के लिए कहा तब इवेंट्स ने उससे पूछा कि क्या तुम तो मुझे बता सकते हो कि व्हाई डिड दे हैव हाँ टू बक मी इन दिस सेल यानी इवेंट्स के सेल में माइक्रोफोन टाइप से कुछ मशीन फिट की गई थी जिससे कि उसके कमरे की सभी साउंड्स को सुना जा सकता था तो इवेंस ने जैक्सन से पूछा कि तुम तो मुझे ये बताओ कि वाई माई रूम हैज बीन बक्ड कि मेरे रूम में ये डिवाइस क्यों फिट किया गया है एंड उसकी आवाजें कौन सुनने वाला है तो जैक्सन ने बोला कि हाँ इसका मतलब तुम्हें तो पता चल गया कि यहाँ पर इस रूम को हमने बक किया है इसका मतलब ये है कि जो काम है वो सफाई से नहीं हो पाया ही एडमिटेड दैट और फिर उसने बताया कि गवर्नर खुद ये सब सुनेंगे क्योंकि गवर्नर और वो खुद भी दोनों ही कोई भी चांस नहीं लेना चाहते और जैक्सन कहता है कि मैं खुद भी तुम्हारे ऊपर बास की तरह से नजर रखूंगा और गवर्नर खुद आज के इस एग्जाम की एक एक चीज का ध्यान रखेंगे तुम्हारे ऊपर हमारा एक इंच भी ट्रस्ट नहीं है विश्वास नहीं है एंड फिर जैक्सन ने इवेंट्स को गुड लक भी विश किया अब देखिए ये सब प्रिपरेशन हो चुकी है इवेंट्स के सेल के अंदर एंड तभी की तभी जो मैकलिरी है मैकलिरी कौन है यस द इन वो आ जाते हैं जैसे जेल में एग्जाम लेने के लिए इन द लिटिल लॉज जस्ट इन साइड द प्रिजेंस मेन गेट्स द रेफरेंट एस मैकलरी साइंट नेम ने इन विजिटर्स बुक तो जेल में एंटर करने से पहले वो विजिटर्स बुक में अपना नाम मेंशन करते हैं फ्रॉम देयर ही वर्क साइड बाय साइड विदलेंट प्रेजेंट ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यारीविंग और वहाँ से एक और प्रेजेंट ऑफिसर होते हैं उनके साथ जो कि बिल्कुल चुपचाप होते हैं उनके साथ वो एक्सरसाइज यार्ड में से होते हुए डीविंग तक पहुंच जाते हैं आपको पता ही है कि डीविंग में ही इवेंट्स की सेल है हियर ही बाय जैक्सन अब डीविंग में आपको पता ही है कि कौन है प्रिजन ऑफिसर डीविंग का यस मिस्टर जैक्सन तो वो उनको ग्रीट करते हैं द विंग्स आउट आउटर डोर वॉज अनलॉकड एंड लॉकड बिहाइंड देम तो जो डीविंग है उसका बाहर का जो दरवाजा है पहले उसे अनलॉक किया जाता है मीन्स ताला खोला जाता है और फिर उसके बाद उस दरवाजे के ताले को बंद कर दिया जाता है

तो स्टीफन uh, uh, मतलब जैसे गर्दन के कहते हैं कि जी उसने रेजर इवेंट से ले लिया है फॉलोड टू द सेल इवेंट्स अब मैकले फॉलोडीफ के पीछे पीछे जा रहे हैं जहां पर कि इवेंट्स इवेंट्स को इवेंस की सेल है जहां पर उसे रखा गया है स्टीफन ओपन द पीप होल एंड फाउंड इवेंट्स कंप्लीटली एंग्रोस्ड इन टेक्सट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर अब स्टीफेंस पहले एक पीप होल में से झांक कर अंदर देखते हैं एक होल होता है उसमें से झांक कर देखते हैं दरवाजे में से कि जो इवेंट्स है वो अंदर क्या कर रहा है तो एट दैट टाइम इवेंट्स जो है वो अपनी जर्मन ग्रामर बुक को पढ़ रहा है इवेंट्स टूक फ्रॉम हिस्स फ्रॉम इट्स रिंग एंड द सेल लॉक ओपन और उसने अपने uh, जैसे की uh, में से जैसे रिंग में से चाबी ली और उसके बाद सेल को खोल लिया एंड ही एंटर्ड इट वॉज नाइन टेन ए एम the governor instructed jackson to tell events of the temporary little precaution the governor thought that events might try to take advantage of macleary ab 9 bajkar 10 minute ho chuke hain okay और जो एग्जाम है वो कितने बजे स्टार्ट होना है आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो टाइमिंग्स है काफी इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी का इंटरेस्ट इन सब छोटी छोटी जो ये इंट्रिकेट डिटेल्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ इन्हीं से बनता है राइट right? क्योंकि डिटेक्टिव फिक्शन है तो इसे बहुत ही छोटे छोटे जो ये माइनर सी जो डिटेल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं तो नौ बजकर दस मिनट हो चुके थे गवर्नर जैक्सन से कहते हैं कि भाई बहुत अच्छे से हमने एग्जाम को कंडक्ट कराना है सबने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और एक चीज और जैक्सन से कहा जाता है कि वो कन्फर्म कर ले कि कहीं जो इवेंट्स है वो मैकलरी को हर्ट करके ओके okay? और यहां से भागने की कोशिश ना करे किस कैसे हर्ट करके हो सकता है कि अब जैसे सेल की तलाशी तो उन्होंने ले ली इवेंट्स की लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि मैकलरी अपने साथ बाय चांस गलती से कोई ऐसा सामान ले आए जिससे कि इवेंट्स उसी को ही हर्ट कर दे ओके okay? तो इसलिए गवर्नर जो है वो कहते हैं कि द गवर्नर थॉट दैट इवेंट्स माइट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलिरी किस तरह से वो मैकलिरी का फायदा ना उठा ले इवेंट्स हैड बीन गॉट ट्रेड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन इवेंट्स का तो सब उन्होंने पोटेंशियल वेपन जो है वो सब ले लिए हैं बट वॉट अबाउट इनोसेंट मैक्लेरी

अब मैक्लेरी से उसने पूछा कि आप इसका क्या करोगे तो मैक्लेरी एक्सप्लेन कि दैट इज सफर्ड फ्रॉम हेमेराइड्स वेयर ही सेट डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम वो के, uh, तो मैकलीरी ने उसको बताया कि उसे हेमेराइड्स की प्रॉब्लम है मे बी पाइल्स की प्रॉब्लम है और जब उसे कहीं पर बहुत देर के लिए बैठना पड़ता है तो उसके लिए काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है एंड फॉर दैट पर्पज ही यूजेज दिस रबर रिंग लेकिन ये एक्सप्लेन करते हुए मैकलेरी थोड़ा सा गुस्से में आ गए देन

यहाँ जो इवेंट्स की सेल है वहां पर स्टीफेंस है अंदर मैक्री है एंड इवेंट्स है जो कि पेपर देने के लिए बैठा हुआ है नौ बजकर अठारह मिनट हो जाते हैं गवर्नर को कुछ सुनाई देता है कि जो एग्जामिनी है मीन्स इवेंट्स और जो इन्विजिलेटर है मीन्स मैकलिरी वो कुछ बातें कर रहे हैं तो मैकलरी इवेंट से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास घड़ी है तो इवेंट्स कहता है हाँ जी है तो ये भी बताऊंगा right. कि बहुत सारे मेरे पास कागज हैं राइटिंग पेपर काफी सारा है तुम जितना चाहो ले सकते हो फिर मैकलरी कहते हैं कि अब तुम ऐसा करो अपने पेपर का नाम जो है वो लिखो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर दैट इज टू वन वन डैश वन तो जैसा कि आप भी लिखते हो बेटा अपनी आंसर शीट के अंदर सबसे पहले आपको अपने पेपर का कोड नंबर भरना होता है कई बार सेट भी भरना होता है राइट right? तो इस तरह से Macleary भी इवेंट से उसके पेपर का नाम जो कि कोड में कन्वर्टेड होता है वो लिखने के लिए बोलता है इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर थ्री वन थ्री और फिर वो उसके बाद इंडेक्स नंबर लिखवाता है थ्री वन थ्री एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट राइट योर सेंटर नंबर टू सेवन वन और राइट अब आप ये देखिए बेटा कि ये सब चीज़ें जो है मैं आपको मैंशन कर रही हूँ कि टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर क्या लिखना है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर क्या लिखना है ये सब चीज़ें थ्री वन थ्री टू सेवन वन ये जो डिजिट्स हैं आप सोच रहे होंगे कि मैम इतनी माइन्यूट माइन्यूट से डिटेल्स हमें क्यों दे रही हैं लेकिन वो इसलिए आपको बतानी जरूरी है ना आपको समझनी ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ें आगे चल एक मिस्ट्री आपके लिए बनेगी एंड फिर जब वो मिस्ट्री सॉल्व होगी तो उसको पढ़कर आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजिल समझ में आ जाएगा एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो ऑल दीज माइनर डिटेल्स तो देखिए इट वॉज नाउ नाइन ट्वेंटी अब नौ बजकर बीस मिनट हो चुके थे अब अंदर जैसे मैं आपको बताया सेल में कौन कौन बैठा हुआ था इवेंस मैकलरी और स्टीफेंस नाउ इवेंस ऑब्जेक्टेड टू तो द प्रेजेंस ऑफ स्टीफेंस इवेंस ने कहा कि अगर ये स्टीफन अगर यहीं ऐसे मेरे सर पर खड़ा रहेगा तो मैं कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाऊंगा एग्जाम में आप भी सोच सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे कोई आपको लगातार देखता रहे और आपका पेपर है ऑलरेडी आप पेपर में नर्वस होते हो क्वेश्चन के आंसर सोच के भी लिखने होते हैं राइट और उस समय मान लीजिए आपको कोई गेस कर रहा हो स्टेयर कर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा सेम यही चीज इवेंट्स है जब बोली कि स्टीफन अगर इसी तरह से मेरे सर पर खड़ा रहेगा तो मैं कैसे अपनी कॉन्सेंट्रेशन मेरी कॉन्सेंट्रेशन काफी डिस्टर्ब हो जाएगी नहीं कर पाऊंगा मैं कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम द गवर्नर ऑर्डर जैक्सन टू गेट स्टीफन आउट ऑफ द सेल फिर गवर्नर ने जैक्सन को फोन किया और कहा कि ठीक है स्टीफन को तुम वहां से बाहर निकाल लो कोई बात नहीं उसको एग्जाम अपना करने दो देन द एग्जामिनेशन बिगेन और फिर उसके बाद 9:25 ट्वेंटी एम पे बिल्कुल देयर वॉज ग्रेट काम एकदम साइलेंस हो गया क्योंकि अब पेपर जो है वो स्टार्ट हो चुका था अब देखिए इसके बाद क्या होता है एट 9:40 फोर्टी एम द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रू एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी इन्फॉर्म द गवर्नर दैट देयर वॉज अ करेक्शन स्लिप व डीलिंग हैंड हेड फॉर गटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज अब 9:40 फोर्टी ए एम पर नौ बजकर मिनट पर एग्जाम हमारा कितने बजे स्टार्ट हुआ है बेटा ध्यान कीजिए यस yes. 9:25 ट्वेंटी पर जो कि शेड्यूल्ड था 9:15 पर ओके okay? अब वो 10 मिनट लेट हो चुका है नौ बजकर पच्चीस मिनट पर फाइनली एग्जाम स्टार्ट होता है और नौ बजकर चालीस मिनट पर एग्जामिनेशन बोर्ड से एक कॉल आती है असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है वो बोल रहे हैं गवर्नर से कहते हैं कि एक करेक्शन है पेपर के अंदर पेपर में एक मिस्टेक है और वो जो करेक्शन स्लिप थी वो जो डीलिंग थे वो रखना भूल गए तो द गवर्नर पुट इन स्ट्रेट थ्रू मिस्टर जैक्सन एंड डीबिंग तो गवर्नर जो है वो सीधी उनकी बात डीविंग में मिस्टर जैक्सन से करा देते हैं कि जो भी करेक्शन होगी वो उन्हें नोट करा देंगे Meanwhile, he checked whether the phone call was fake or some signal or secret message. अब आप देखिए बेटा यहाँ जो गवर्नर है वो कितना ज्यादा ध्यान रख रहे हैं ये सोचकर कि ये जो फोन कॉल है करेक्शन के लिए जो आया है ये सच में बोर्ड से ही है ना तो गवर्नर क्या करते हैं इन बिटवीन जब बोर्ड वाले असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हैं, वो जैक्सन से बात कर रहे हैं गवर्नर खुद दोबारा से उनके पास फोन मिलाकर देखते हैं कि सच में जो फोन है वो एग्जामिनेशन बोर्ड से है या नहीं कैसे पता चलेगा जी हां अगर एग्जामिनेशन बोर्ड का जो फोन है वो भी एंगेज जाएगा तो हि डायर द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड बट हर्ड ओनली दीप्स ऑफ अ लाइन एंगेज एंड फिर उनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ सच में जो लाइन है वो एंगेज है इसका मतलब सच में जो फोन कॉल था वो एग्जामिनेशन बोर्ड से था टू मिनट्स लेटर द गवर्नर हर्ड सम विस्पर्ड कम्युनिकेशन इन द सेल दो मिनट के बाद गवर्नर को कुछ विस्फोट मैंने आपको बताया था कि जो इवेंट्स का सेल था उसको बक किया गया था राइट तो जितनी भी कन्वर्सेशन हो रही है इवेंट्स ने कुछ कहा मैटिले ने कुछ कहा वो सब चीजें गवर्नर अपने रूम में बैठे हुए सुन पा रहे हैं तो फिर से दो मिनट के बाद जो है गवर्नर को कुछ सुनाई देता है इवेंट्स की सेल से

पेज है उसकी जो लाइन फिफ्टींथ है उसका जो फोर्थ वर्ड है उस पर गोल्डन एन लिखा हुआ है वो गोल्डन एन नहीं है गोल्डिन है और इस तरह से जो पूरी फ्रेज है उसको हम पढ़ेंगे जूम गोल्डन इन लॉवन ना कि जूम गोल्डन लॉविन ओके तो ये करेक्शन थी जो कि मैकलिन ने इवेंट्स को कराई एंड गवर्नर ने सुनी गवर्नर को कंफर्म हो गया कि भी ठीक है ये तो सही सी बात है कोई एडजेक्टिव का एग्रीमेंट पर बेस्ड कोई टॉपिक था जो कि जर्मन लैंग्वेज गवर्नर ने भी पढ़ी थी फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट से गवर्नर के पास एक फोन कॉल आता है और उनको एक प्रिजन वैन और कपल ऑफ उफ प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए होते हैं कोई रिमांड का केस होता है इसलिए अब गवर्नर इस चीज पर भी शक करते हैं कि कहीं ये जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जो फोन आया है कहीं ये भी नकली तो नहीं है लेकिन फिर उसके बाद गवर्नर अपने आप को समझाते हैं अरे नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहा हूं ओवर एंक्शियस हो रहा हूं और ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती For the the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals in one minute or so, and after that, every two minutes. तब क्वार्टर क्या कर रहा था वो सेल के बाहर खड़ा था और वो जो पीप होल था उसमें से झांक झांक कर देख रहा था हर एक मिनट में या उसके बाद फिर दो मिनट के बाद ओके यानी कि शुरू के पंद्रह मिनट तक तो वो एक एक मिनट में बार बार अंदर देख रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना सभी को विश्वास नहीं था सबको यही कि कभी भी हर तो एक मिनट में ओके okay, अंदर जाके देख रहा था और उसके बाद जो है हर दो मिनट में अंदर जाके देख रहा था एट टेन फोर्टी फाइव एम एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट अब देखिए एग्जाम स्टार्ट हुआ था नाइन ट्वेंटी

वो कुछ नहीं लिख रहा था उसका जो पेन था वो उसके मुंह में था आप इस पिक्चर में देख सकते हो जैसे इस बच्चे ने पकड़ रखा है और उसका जो एक्सप्रेशन था वो जस्ट लाइक ये जो पिक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया यहाँ पर इसी की तरह से था कि वो जैसे एक शून्य में ब्लैंकली एकदम देख रहा है कहीं एक जगह क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता तो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है वो कि जैसे वो सोच रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर और उसको आता जाता कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल ठीक इसी पोज में जो है इवेंट्स लगातार बैठा हुआ था और उसके सामने बैठे हुए थे मैकलिरी मैकलरी अपने एक जो उनकी वो मैगजीन थी चर्च टाइम्स उसको पढ़ रहे थे और उनके जो बाल थे वो एकदम इस तरह से ट्रिम किए थे कि जैसे किसी एमेचर ने यानी कि किसी नए सीखने वाले जैसे मान लीजिए से उन्होंने ट्रिम कराए हो बिल्कुल अच्छे से नहीं कटे हुए थे उनके बाल और उन्होंने अपनी जो एक फिंगर है वो देखिए इस पिक्चर में आप देखिए इस तरह से इस कॉलर के ऊपर रखी हुई थी लगातार वो इस कॉलर को होल्ड किए हुए थे अब आप फिर से यही सोचोगे कि ये सब मैम क्या बता रही है कॉलर को होल्ड करना लेकिन आप देखेगा इन सब चीजों की आगे सिग्निफिकेंस निकलने वाली है तो आप ध्यान दीजिए इन सब चीजों पर नाउ एट टेन फिफ्टी एम द रिसीवर मेड अ शॉर्ट शार्प साउंड दस बजकर पचास एम पर सुबह दस बजकर पचास मिनट पर

और जैसे ये चीज वो पूछता है मैकलिरी से कि क्या वो ब्लैंकेट से अपने आप को रैप कर ले वहीं पर पास में एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ था मैकलि टोल्ड इवेंट्स टू तो बी क्विक अबाउट इट मैकलरी ने इवेंट्स को परमिशन दे दी एट्टी वन एम वाज सरप्राइज टू सी अ ग्रे ब्लैंकेट ड्रेप राउंड इवेंट्स शोल्डर्स अब जस्ट एक मिनट बाद ही जब स्टीफेंस ने पीप आउट पिप इन करके देखा इवेंट्स के ए, सेल के अंदर क्या हो रहा है तो इवेंट्स जो है वो उसने एक ग्रे कलर का ब्लैंकेट लपेटा हुआ था जिसे देखकर स्टीफेंस काफी हैरान हो गया कि भी ये कैसे इसने लपेट लिया फिर इवेंट्स फिर स्टीफेंस का मन किया कि वो ये जो थोड़ा सा जो ये अनयूजल सी बात हुई है अलग सी बात हुई है इसके बारे में जैक्सन को रिपोर्ट करे कि इवेंट्स जो है उसने एक ब्लैंकेट ओढ़ लिया है कम्बल ओढ़ लिया है लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया हालांकि जैक्सन ने उसको कहा था कि कोई भी तुम्हें ऐसा लगे कि भी ऐसी कोई बात होती है अलग से तो तुम मुझे उसके बारे में जरूर रिपोर्ट करना उसे रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि उसको ये लगा कि ये जो हिस्सा है प्रिजन का ये डीविंग ये काफी ज्यादा इस तरह की एरिया में है जहां पर काफी ठंड होती है एंड गर्मियों में भी यहाँ पर काफी ठंडा रहता है तो इसलिए हो सकता है कि सच में इवेंट्स को ठंड लग रही होगी इसीलिए उसने अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर रैप कर लिया With this, we come to an end of the explanation of our part first of the chapter. Events tries an O level. Thank you for watching. Thank you.